अच्छा ये बताओ, ऐसा किसके किसके साथ होता है कि रात में जब सोने जाते हो तो 1-2 घंटा तुम ओवर थिंक में बिता देते हो कि अरे आज बिल्कुल नहीं पढ़े, इतना टारगेट बनाए थे, मतलब कैसे दिन टाइम मतलब कैसे तुम्हारा दिन खत्म हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, कुछ पढ़ भी नहीं पा रहे, क्या करे कैसे करे कि हम अपना 10 से 12 घंटा पढ़े। पक्का आता होगा सबके दिमाग में, 110% आता होगा। ठीक है, तो आता है जो पढ़ता है उसी के दिमाग में आता है, जो नहीं पढ़ता है जिस पे कोई टेंशन नहीं होता है कुछ का, तो उसके दिमाग में आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा है जो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि हाँ हम कैसे अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाया, कैसे क्या करें जिससे हम 10 से 12 घंटा पढ़ सके। ठीक है, क्योंकि नीट में तो अब टाइम है नहीं, 5 मंथ है, सबको पता है। तो अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास मुश्किल से 150 डे है, समझ में आ रहा है, 100 मतलब 150, तुम्हारे पास चैप्टर 80 से 90 चैप्टर्स, तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है करने का, तुम कर सकते हो। ठीक है, आराम से कर सकते हो, एक दिन में एक चैप्टर भी किए, अगर एक कुछ चैप्टर्स जो एक दिन में हो जाता है, कुछ चैप्टर्स जो 1 से 2 दिन में लगता है, तो अगर चाहेंगे तो हाँ मेरा हो सकता है। तो इतना तो रखो कि अगर अभी से भी स्टार्ट करें, दिसंबर से भी स्टार्ट करेंगे तो मेरा आराम से हो सकता है। और जब जिस दिन तुम 10 घंटा पढ़ोगे उस दिन तो 100% है, सोचोगे नहीं, सुकून का नींद तुम्हारा होगा। ठीक है, 10 से 12 घंटा तो कुछ नहीं करना है बाबू, बस 3-3 घंटा का 4 स्लॉट बनाओ या 4-4 घंटा का 3 स्लॉट बनाओ और वो स्लॉट में पढ़ो। ठीक है, और जब स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो तुमसे बैठा तो जाएगा नहीं कि 2 घंटा 3 घंटा बैठ रहे हो, तो 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ो जिसमें तुम 10 मिनट ब्रेक लो, 5 मिनट ब्रेक लो, तुम जो मतलब तुम खान तुमको खाना खाना है खा सकते हो, जिसको थोड़ा सा म्यूजिक सुनना है सुन सकते हो, डांस कर, मतलब तुमको जो टीवी देखना है या कुछ यूट्यूब पे तुमको कुछ प्रोग्राम देखना है वो कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे स्लॉट बना के पढ़ाई करो, बस करना कुछ नहीं है, कोई भी एक दिन में 2 सब्जेक्ट लो, लेक्चरर नोट्स NCERT PYQ MCQ, बस यही तुमको ये 4-5 चीज़ पे घूमते रहना है। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट लेना है, एक तो बार बार बोल रहे हैं, एक तुम्हारा रट्टाफिकेशन, एक तुम्हारा कंसेप्चुअल। और जब भी जैसे कि जैसे मॉर्निंग में उठो, सबसे पहले तो सबसे हेल्दी खाना खाओ, मॉर्निंग में उठो थोड़ा सा योगा कर लो, गर्म पानी पियो, ब्रश कर लो चेहरा पे पानी, क्योंकि ठंड का टाइम में उठा तो जाएगा नहीं, जाके ब्रश कर लोगे नींद ऐसे ही टूट जाएगा, कुछ खा लो हेल्दी खा लो। और सुबह में कम से कम 3 घंटा पढ़ो, रटने वाला पढ़ो जो तुमसे याद नहीं हो रहा है, क्योंकि सुबह में रटोगे तो नींद भी नहीं आएगा, नींद भी खुल जाएगा। जहाँ फिजिक्स बैठ के बनाने बैठ जाओगे बोरिंग लगेगा, नींद आएगा, सो जाओगे, फिर आज कल का भी दिन तुम्हारा चौपट। और जहाँ पता है तुम सुबह का 3 घंटा अच्छे से पढ़ लिए, तुम्हारा पूरा दिन तुम्हारा अच्छा जाएगा, क्योंकि तुम्हारा तुमको पता हो कि हाँ 3 घंटा जब सुकून से पढ़े देखना तुम रात तक अच्छे से पढ़ोगे, और सुबह का मॉर्निंग का तुम अपना खराब कर दे स्लॉट, तो तुम्हारा पूरा दिन का स्लॉट खत्म, फिर वही रात में सोने जाना, सोचते रहना अरे क्या किया आज, मेरा इतना टारगेट था ये। तो छोटा छोटा टारगेट सेट करो, गोल सेट करो और उस पर लग जाओ काम करने के लिए। ठीक है, समझ जाओ कि मेरा भी यही काम है, ये इसी पे हमको भी फोकस करना है। तो छोटा छोटा टारगेट, 2 सब्जेक्ट लेना है रटने वाला, सुबह में करना है 3 घंटा, स्लॉट बना बना के बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खाओ, नारियल पानी पियो, बहुत सारा पानी पियो, नींबू पानी पियो, और हेल्दी हेल्दी खाओ, जंक फूड भूल जाओ, पिज्जा बर्गर जो भी है भूल जाओ, क्योंकि तबीयत खराब होगा फिर तुम्हारा टाइम जाएगा, इससे अच्छा हेल्दी खाना खाओ जिससे तुम भी ठीक रहो और तुम ठीक रहोगे, तुम्हारा पढ़ाई भी ठीक रहेगा। और कम से कम 6 घंटा, 6 से 7 घंटा तो डीप स्लीप लो। ठीक है, जो बच्चा रात में पढ़ता है तो उस अपना अपना टाइमिंग होता है पढ़ने का, तो ठीक है रात में पढ़ो तो अच्छे से, जब जब भी सो तो तुम 6 घंटा, ये नहीं कि अभी से बैठ के बैठे हुए बुक लेके, कोई भी बच्चा जो बोलता है ना 22 घंटा पढ़े, कोई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 12 घंटा अगर तुम डेली अभी से नीट तक पढ़ोगे तुम यहाँ से कहाँ नहीं पहुँच जाओगे। ठीक है, 22 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12 10 से 12 पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूटी बना के पढ़ो, खूब हेल्दी रहो और अच्छे से खाना खाओ और अच्छे से सो। ठीक है, चलो ठीक।